कहाँ है घर? उधर है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात में, बनियान पहने घूम रहे हो? अब मैं क्या करूँ, ऐसे चला आया, सेट मेट कुछ नहीं पहनी मैंने। तुम्हें तो नहीं मारा? नहीं नहीं मुझे नहीं मारा, दीदी को कर रहा था, मारपीट कर रहा था बच्चे को, उनने ऐसे लिया ऐसे फेंक दिया, मैं 10 फुट बच्चे से रख के गया। रात के 2:45 हो गए हैं। अब ये एक बघेल भाई है, इसकी बहन को इसके जीजा जी मारपीट कर रहे होंगे। मतलब रात में भी नहीं लोग सो रहे, लड़ाई झगड़े की कितनी इंतहा हो गई है। और हमें फ़ोन लगाया, सोने भी नहीं देते दूसरे को। हमारी पुलिस आई है बहुड़ापुर थाने की, उनके साथ जा रहे हैं, देखते हैं प्रयास करेंगे। ये घर है क्या? कार बाहर क्यों बैठी हो? हैं? खड़े हो, बात करो। बताओ क्या समस्या है? तो ढेर सारी पुलिस आ गई, 2-3 गाड़ी। बताओ बताओ बताओ। कौन है पहले ये बताओ, ये कौन है? ये मेरा भाई है। भाई है, सगा भाई है? नहीं खास भाई है, सगा भाई क्या होता है? हाँ तो वही तो, सगा खास में क्या होता है? क्या यहाँ बाहर क्यों बैठी हो? वो तो वैसे बैठे हैं, आवाज़ मारपीट नहीं हुई क्या? समस्या है भैया के लिए फोन किया जब आए वो। नहीं मारपीट नहीं हुई, वो तो वैसे गाली गाली, अब दारू पीने आदमी गाली गाली गलो चंद नहीं। कहाँ है पति? कहाँ है पति का पता, मैं मालूम नहीं है, तो हमका बता दिया। तो किसने की है गाली गलोच? इतनी पुलिस बुलाने की थोड़ी, पति पत्नी में तो ऐसी होती रहती है गाली गलौज की? नहीं होती, होती है ना। तो इसको समझा, इसकी शादी नहीं हुई क्या? है इसकी जल्दी कराओ तो इसे पता चले लड़ाई झगड़ा का। तो काहे को रात को बुला रहा पुलिस को? जल्द हमने बात मना करी भाई से, लेकिन भाई नहीं माना, क्या करें? नहीं भाई के पास नंबर था ना हमारा, इसलिए होशियारी में पड़ गया होगा कि लगा के बुला देते हैं। बोले मार रहा है, बाहर फेंक दिया। बच्चे को बाहर फेंका था क्या? नहीं बाहर नहीं फेंका। नहीं फेंका क्यों? तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? हैं कह रहे बच्चे को फेंक दिया, वो कह रही कुछ ऐसा नहीं, वो तो बाहर गया था, वो तो उधर चौक में से थोड़ा सरका दिया, तो इधर तो मार वाले थे इसलिए वो सरक गया। ऐसा फेंक दिया, वो सरक गया 10। हां वो बोल नहीं रही, तुम्हें फेंक दिया, मुंह में लात मारी। नहीं मारी। हां तो कहां होगा मार दी तो, आदमी तो है, वो दुश्मन है। तो फिर काहे को फोन मुझे कह दी के बुला ले? तो हमने कहा कह दी के, तो हमने तो मना भी करी थी कि तू फोन मत लगा पुलिस को। लड़ा मत करो, अच्छे से रहा करो, समझाना उसको, दारू मत पीने देना। पैसे कहाँ से पाया जाता है? काम करते हैं तो आ जाती है। तो छुड़ा लिया करो ना पैसे, पूरे जेब से निकाल लिया करो। हैं पीना खाना और रहना दारू में, बस यही काम करता है। तो पैसे निकाल लिया करो ना, पैसे ही मत दो तो कहां, फ्री में तो मिलेगी? कहाँ है, कहाँ बताओ उसको, समझाते ये कौन है, क्यों तुम कौन हो? अच्छा मकान मालिक। तो किराए से रहते हैं क्या ये लोग? हाँ ये किराए से रहते हैं। तो डेली लड़ते होंगे? अरे नहीं डेली लड़ते, वो आ गया हुआ है, साथ किया हुआ ना कर। उसको समझाया करो ना, कह दो ऐसे तो मालूम नहीं है, लाइट चली थी, सब किया है, उन्हें कम ही है। क्या काम क्या करता है? होटल पे जाता है, होटल पे खाना बनाते हैं। उसको समझा देना ना। चलो ठीक, अच्छे से रहो कर, लेकिन लड़ाई झगड़ा मत कर, ऐसे छोटी बात के लिए नहीं पुलिस को फोन। मैं इस बहन की बहुत तारीफ करूंगा, प्रशंसा करूंगा, तो छोटे से मुँह बात को स्वयं सुलझाना उचित समझा। और मुझे भी उसने जो जवाब दिए बड़े सुंदर लगे कि मेरा पति ये कोई दुश्मन थोड़ी है, लड़ाई हो गई तो हम सुलझा लेंगे आपस में, पुलिस को बुलाने की ज़रूरत थोड़ी थी। अगर इस तरह से पत्नी समझदारी दिखाएं तो मुझे लगता है कि बड़े बड़े विवाद भी आपस में सुलझ जाते हैं। चूँकि नशे के विवाद में, नशे के कारण ये विवाद हुआ, तो नशा मैं पहले ही बोला हूँ कि बहुत बुरी चीज़ है। जितने भी पुरुष हैं या पति हैं, अगर नशा छोड़ देंगे तो मुझे लगता है घर परिवार संपन्न भी होगा, सुखी भी होगा और जीवन सुकून में भी रहेगा। तो कृपया नशे को ना कहें और जीवन को अच्छा बनाएं।